जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने किसान नेता राकेश टिकैत का 12 सेकंड का एक वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि राकेश टिकैत का अगला टारगेट मीडिया हाउस है। अगला टारगेट मीडिया हाउस है, आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। धन्यवाद जी। असल में हाल ही में जी न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें नरेश टिकैत को एमएसपी से भी सस्ते दाम पर गन्ने की फसल दिलाने की बात करते देखा गया था। जी न्यूज ने राकेश टिकैत का यह वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि जी न्यूज ने सच दिखाया और इसी से बौखलाकर राकेश टिकैत ने मीडिया को अपना अगला टारगेट बनाया है। अगला टारगेट मीडिया हाउस है, आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। धन्यवाद जी। देखिए, किसानों के हित की बात करने के नाम पर अब धमकी देने पर आ गए। धमकी दी जा रही है खुलेआम कि बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो गए। राजू रात मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। राजू, ऐसा क्या सवाल पूछ लिया, ऐसा क्या चुभ गया? क्या यह जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन का असर है कि अब मीडिया को धमकी देने पर उतर आए? जी न्यूज के अलावा रिपब्लिक भारत, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, न्यूज 18 राजस्थान, वन इंडिया न्यूज, इकोनॉमिक टाइम्स कुछ ऐसे प्रमुख नाम हैं जिन्होंने ये वीडियो दिखाया। इनमें से कुछ चैनल्स ने पूरा वीडियो दिखाया, लेकिन दावा सभी ने यही किया कि मीडिया को धमकी दी गई थी। पत्रकार आदित्य राज कौल ने भी यही दावा किया कि राकेश टिकैत ने सार्वजनिक तौर पर मीडिया को धमकाया है। इस वीडियो की सच्चाई क्या है? असल में राकेश टिकैत ने 28 सितंबर को मीडिया से बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान ही उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन मजे की बात यह है कि सुधीर चौधरी, जी न्यूज और तमाम दूसरे न्यूज चैनल्स पर जो वीडियो दिखाया गया, असल में वो पूरा नहीं था। वो राकेश टिकैत की बात का एक हिस्सा भर था। जब आप पूरी बात सुनेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता राकेश टिकैत आखिर कह क्या रहे थे। अरे तो कांग्रेस सरकार है, सरकार तो सरकार ही हो भाई, सरकार तो सरकार ही है, इनका भी कुछ ना कुछ ढूंढेंगे। ऐसा थोड़ा आगे ऐसे ही बच जाएगी सरकार, करेंगे इनका भी करेंगे। मैं तो से दिल्ली वाले को देख लो, जिसने कानून बना के आधा देश बेच दिया, उसमें भी ध्यान बना दो। मंडियां बेच दी मध्य प्रदेश की, 182 मंडी बेचनी निकाल दी, छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहने का। अब तो ये है कि सब लोग साथ दो। अगला टारगेट मीडिया हाउस है, आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। धन्यवाद जी। यानी राकेश टिकैत के वीडियो से एक छोटा सा हिस्सा निकालकर यह दावा किया जा रहा है कि उन्होंने मीडिया को धमकी दी थी, जबकि उन्होंने ये कहा था कि सरकार का अगला निशाना मीडिया है और ये बात पूरा वीडियो देखने से साफ हो जाती है। भारतीय किसान यूनियन ने पूरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आईटी सेल ये वीडियो एडिट कर टिकैत की बात को धमकी बता रहा है। आपको ये भी बता दें कि एएनआई के हिंदी हैंडल से पहले राकेश टिकैत के बयान का वो अधूरा हिस्सा ही ट्वीट किया गया था और उसमें लिखी बात पढ़कर ऐसा ही लग रहा था कि राकेश टिकैत ने मीडिया हाउसेस को अपना अगला टारगेट बताया था। लेकिन इसके 6 घंटे 10 मिनट बाद एएनआई ने पूरा वीडियो ट्वीट किया।